आ गया साडा टाइम शरीको हुण कटांगे तुहाडे सारिआं दे बदमाशी वाले वहम। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप जानते हैं अली हैदराबाद, तो आज मैं आ चुका हूँ लाहौर में। और कहाँ पे? मेरे पास जाहिद के पास। यार तुम बोलो। नहीं नहीं, जाहिद के पास मैं आया हुआ हूँ, बस बोल लिया, इतना काफ़ी है। ये भाई मेरे लिए फूल लाया, भाई फूल आगे रखना। और जिसकी शॉप है वो मेरे लिए चॉकलेट लाए, चॉकलेट दिखाओ। और जट इधर आओ। ये जट मेरे से नाराज है इधर। और मुर्शद ने बाल बनवाए, ये मुर्शद के बाल देखो, चेक कर सकते हैं। ओए मुर्शद कैसे लग रहे हो यार। थैंक यू नजर। थैंक यू अली आने के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कोई पूछे कॉफी या टी, क्या जवाब दोगी? हाँ मुझे कॉफी भी पसंद है, टी भी पसंद है, लेकिन कॉफी भी ज्यादा अच्छी है। कॉफी भी ज्यादा अच्छी है। और हेलो, दोनों अच्छी है। की करना है मियां जी, मेरी तो फोटो ही अग ला देंदी है बाबा जी सियालकोट। कल मैंने अपने पड़ोसन के बच्चे को थप्पड़ मारा और वो मुझसे लड़ने आ गई, फिर मैंने उसे एक ऐसी बात कही कि लड़ाई फौरन खत्म हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता, लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हो सकती, तूने ऐसा क्या कहा? मैंने उसे देखते ही कहा कि आप उम्र से इस बच्चे की माँ लगती तो नहीं है। तुझे गुरूर है कि तेरे चाहने वाले बहुत हैं, और मुझे गुरूर है कि मेरी तरह तुझे और कोई चाह भी नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप जानते हैं हैदराबाद, तो आज हम मिलते हैं गफारा भाई। हाँ तो ये कौन है, क्या नाम है भाई आपका? समझ। हाँ तो ये कौन है? चार मुंह वाला सोच। हाँ तो ये कौन है? अली जाट। हाँ तो ये कौन है? की नाम है अभी ने? जुबैर जाट। हाँ तो ये कौन है? ये अरबाज भाई, माशाल्लाह। हाँ तो ये कौन है? ये भी मैंने सुना, अली खान का छोटा भाई है ये, बाकी गुड हो गया। नहीं इधर नहीं बताना था सबको, कोई नहीं बता दिए। खैर ये कौन है? ये माशाल्लाह जी बहुत शरीफ बंदा है आसिफ। हाँ तो ये कौन है? नाम है काशिफ जुतोई, माशाल्लाह जी बहुत प्यारा नाम है। ये कौन है? ये है फैसल भाई, हैदराबाद से है, अली भाई को मिलने के लिए स्पेशल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ तो गफारा एक वॉशरूम में रह गया, नहा तो के निकले हो। ये कहाँ से आया? लो जी अल्लाह की कसम वाली गल है, सुती उठी सा, बाल खिल रहे थे के समझो वॉशरूम से निकली है। किसी ने मुझसे कहा मुझे तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं लगते, मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, शेर शेरों को अच्छे लगते हैं, कुत्तों को नहीं। ओ मैनू चढ़ दी ना बिना मेरे यार, शराबी यार मोड़ दो। जी तो आप टिकटॉक पे इतना फेमस हैं, आप कॉम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज पैकेज मुके है। तो यार तू सुती उठिया वाल खिल रहे ने राती। क्या आपको पता है कि हर खानदान में एक मर्द ऐसा जरूर होता है जिसे औरतें कहती हैं जावे भाई जाके मर्दे च बह। भाई जान जो मेनु टेंशन होवे ना मैं बहुत ज्यादा खाना है। अज तुम टेंशन तो नहीं भाई, सफाई जल्दी कर। इतनी जल्दी क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट की। भाई कल रात मेरा नेट पैकेज खत्म हो गया। क्या बात कर रहे, चार घंटे में अपनी फैमिली के साथ बैठा रहा, फिर तो बहुत अच्छे लोग हैं वो। बहुत बुरी हूँ ना मैं, दुआ करो तुम्हारी बीवी बन जाऊँ। कैसी हो मेरी लाइफलाइन? किस लाइफलाइन क्या होता है, सीधी तरह जोजा कहा करो, लाइफलाइन पाइपलाइन गैस लाइन। जो बदले वो हम नहीं और हमें कोई बदले, काका इतना जमाने में दम नहीं। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह
बहुत करते हैं। शरीकां दा दिमाग ही काम करना छड़ जांदा है मियां जी जदों साडे बारे सोचदे ने। ओए गफाया तू भी बैरियर ढूंढ रहे हां मेनू तो 7 साल हो गए रहंदे किन्ने दा प्लाट लिया सी 20 लाख दा मैं प्लाट लिया तुसी तो चंगे रह गए लेकिन असि तुहाडे तो सियाणे आ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਲਾਟ ਉਹਨੇ 500 ਦਾ ਉਹਨੇ 500 ਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹਾਰ ਬਾਨ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ आसान रास्ता होता है। हार मानना मेरी आदत नहीं और आसान रास्ता लेना मेरी फितरत नहीं। तू मेरे लिए क्या क्या छोड़ सकती है? सब कुछ। अपनी माँ को भी? हाँ बाबू। ठीक है, आज से हमारा ब्रेकअप। क्या हुआ? जो अपनी माँ की नहीं हो सकती वो मेरी क्या होगी। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे।